जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत वर्ग का आपको पता है, हर जगह आपको काम पड़ता है वर्ग करने का। तो आज आपको मैं ऐसी स्कीम बताऊंगा जिसमें आप केवल मात्र एक या दो सेकंड के अंदर अंदर कोई भी संख्या का वर्ग याद कर लोगे, चुटके में, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, चाहे केवल ये सामने आप देख रहे हो कि पाँच की, जिसके एंड में पाँच हो और जिसके एंड में पाँच नहीं हो, उसके लिए भी मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आप मात्र एक या दो सेकंड आपको लगेंगे, आप हल कर दोगे। कोई भी वर्ग आपको ज्ञात करना है, कोई भी संख्या का, सिर्फ दो सेकंड में हल कर दोगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर एंड तक देखना है ताकि आपको आगे वाले मैथ के क्वेश्चनों में बहुत सहायता मिलेगी। इससे जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, जिसके एंड में पाँच हो, जिसके अंत में जैसे 25, 75, 15, 45, जिसके अंत में पाँच हो, उसका तो बहुत ईजी है। उसमें क्या करना है वर्ग ज्ञात करने के लिए, जो आगे की संख्या है जैसे दो, तो इसको इससे अगला डिजिट कितना आता है तीन, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया छः। और जो पीछे का पाँच है इसका वर्ग कर लो 25। ये लो जी आंसर, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक सेकंड भी। सात है, इसका अगला डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 8 = 56 और पाँच का वर्ग, ये लो जी 56 × 25, ये इसका वर्ग, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। एक 15 × 15 करना है तो एक से अगला डिजिट कौन सा होता है दो, दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दो, और पाँच का वर्ग लिख दो, 15 का वर्ग 225, बिल्कुल इजीली। अब चाहे तीन अंकों की संख्या, चाहे चार अंकों की, पाँच अंकों की, कोई घबराने की टेंशन नहीं। 125 यानी अगला डिजिट कितना है 12, 12 को इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो 13 से, तो 12 को 12 144 और 13 से करोगे तो 156 और पाँच का वर्ग, ये लो जी 15625। आपको एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, एक सेकेंड। अब जिनके एंड में पाँच है उनका तो आपने इतना इजी कर लिया, अब मैं आपको तो बताता हूँ कि जिसके अंत में पाँच नहीं है उसको भी आप बिल्कुल आसानी से, मतलब मात्र एक सेकंड में कर दोगे। तो चलिए देखते हैं उसको। तो अब देखिए, जिनके अंत में पाँच नहीं है उनको भी आप सिर्फ चुटकियों में कर सकते हो, कैसे? तो आप कोई, ये कोई से भी आपका जो है उस पर लगा के जाके देख लेना। करना क्या है दोस्तों इसमें, जैसे 47 है, 83 है, या और भी कोई अंक ले लो, जैसे 96 ले लो, या कोई भी ले लो, कोई भी जो आपकी इच्छा है। इसमें एक छोटा सा काम करना आपको और कुछ नहीं करना, जितने भी डिजिट आपको दिख रहे हैं जैसे 4, 7 और इसकी जो घात दिख रही है 2, इनको क्या करना है इस प्रकार लिख लेना मल्टीप्लाई में, 4 × 7 × 2, इधर भी 8, 3, 2 आपको ऊपर दिख रहा है तो इसको भी इस प्रकार से मल्टीप्लाई में लिख लेना है, 8 × 3 × 2, बिल्कुल ईजिली इस प्रकार लिख लेना और कुछ नहीं करना। आप करना क्या है इसको, 4 का वर्ग, यानी आपको सिर्फ 10 का वर्ग पता होना चाहिए। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16, फिर 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों 7 × 7 = 49। अब करना क्या है, अब इसमें ये जो तीनों डिजिट है 4 × 7 = 7 × 28 × 2 = 56, ये 56 को इस यहाँ पर लाके रख देना है बीच में, यानी पीछे का जो एक अंक है उसको छोड़ देना है, पीछे वाला अंक को छोड़ देना है और बीच में लाके रख के और इसको ऐड कर देना है, ऐड का मतलब जोड़ देना है। तो क्या आएगा 9, 0, 2, यानी 2209। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से या किसी भी चीज़ से चेक कर सकते हो, यही आंसर होगा और आप खुद कर लोगे। अब चुटकियों में सेम ऐसा इधर करना है, 8 का वर्ग कितना होता है 8 × 8 = 64 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो आपको 09 लिखना है, ठीक है? सिर्फ 9 नहीं लिखना है आपको, 09 नहीं लिखना है। अब इसमें करना क्या है, ये तीनों डिजिट है इनका मल्टीप्लाई, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48, इधर ला के लिख दीजिए 48 और ऐड कर दीजिए। तो ये पीछे वाला वर्ड है इसको खाली छोड़ना है, इसको जैसे का जैसा लिखना है 9, 8, 8, 6, आपके मोबाइल से चेक कर लेना, यही आंसर मिलेगा 101%। तो आप वर्क कर लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप नए चैनल पे तो जुड़ जाइए। अब मैं आपको अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा घन याद करने का, इतने आसान तरीके से। यहाँ पर आपको जोड़ना घटाना नहीं, जोड़ना लिखना है, बस ये करना। सीख गए ना, जितने डिजिट लिखे हुए हैं, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एक छोटा सा और करके दिखाता हूँ, जैसे आपको ये मान लो 16 का वर्ग इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है बिल्कुल आसानी से उसी प्रकार से कर देना है। ये आप खुद करना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ट्रिक कैसी लगी। जय हिंद।